हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। तो आज अपन बात करेंगे सेल बायोलॉजी का, अपना नेक्स्ट टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, इसकी खोज है यानी इसका डिस्कवर है वो किसने किया था, और कौन कौन से क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सबके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और बहुत सारे मैंने टॉपिक भी बनाए हैं इस पे, सेल बायोलॉजी के टॉपिक्स पे, उसकी लिंक है वो ऊपर आई बटन में दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है। हाँ तो फ्रेंड्स, अपन बात कर रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। अब अपन इसका आधे आधे भागों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एंडोप्लाज्म का मतलब क्या होता है। एंडोप्लाज्म, दूसरा हो गया रेटिकुलम, टोटल नाम बन गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया एंडो एंड रेटिकुलम। एंडोप्लाज्म का मतलब होता है जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, क्या जीव द्रव्य। दूसरा आ गया रेटिकुलम, रेटिकुलम का मतलब होता है जाल यानी ट्रेप, जाल या इसको जालिका भी बोल देते हैं, मतलब जीव द्रव्य जाल या जालिका। तो इसका मतलब क्या हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये हो गया इसका दो भागों में डिवाइड, यानी नाम को तोड़ के अपन ने मीन निकाल लिया इसका कि क्या मतलब है। अब अपन बात कर लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी खोज है वो किसने की थी। कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी खोज है वो पोर्टर नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? पोर्टर नामक वैज्ञानिक, उन्होंने की थी और इन्होंने इसका नाम दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम भी दिया था और इसकी खोज भी की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अपन बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या होता है कि जो मेच्योर आरबीसी होती है यानी परिपक्व आरबीसी होती है उसको छोड़िए सभी के सभी जो भी यूकेरियोट होते हैं यानी जो भी यूकेरियोटिक सेल होती है उनमें प्रेजेंट होती है। यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ईआर से दर्शाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये परिपक्व जो होती है ना मेच्योर आरबीसी होती है उसको छोड़कर जितने जो भी सभी यूकेरियोटिक सेल्स होती है ना सभी यूकेरियोटिक सेल्स होती है उनके अंदर क्या होती है प्रेजेंट होती है कौन ये। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपना है कि जो अपनी जो मसल्स होती है, वैसे तो अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर बोलते हैं लेकिन मसल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है उसको क्या कहेंगे। ये एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो अपनी मसल्स है ना मांसपेशियां, क्या अपनी मसल्स है मांसपेशियां वहां पर जो ईआर होती है ना जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसको अपन क्या कहेंगे ना उसका नाम वहां पे क्या आएगा। तो उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोलते हैं उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि मांसपेशियों के अंदर जो प्रेजेंट ईआर होती है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको क्या बोलते हैं, उसको वहां पे बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कैल्शियम होते हैं ना, कैल्शियम होता है उसकी अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि मांसपेशियों ना हड्डियों में कैल्शियम वो अधिक पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब आ जाता है कि मेटाबॉलिज्म होता है जहां पर सबसे अधिक पाया जाएगा, यानी मतलब मेरा कहने का हो गया कि जो सक्रिय सेल होती है ना जहां पर क्या पाया जाता है मेटाबॉलिज्म जो एक क्रिया है वो अधिक पाई जाती है वहां पर क्या होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाएगी, वो वहां पाई जाएगी जहां क्रियाशीलता ज्यादा होती है ना मेटाबॉलिज्म अधिक होगी वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अधिक पाई जाएगी, जैसे होगी
प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल्स हो गई, एंड और कौन सा गया, पेनक्रियाटिक सेल्स हो गई है ना, अग्नाशय सेल। और भी बहुत सारी हो जाती है, जैसे जो भी हो जाती है। अब अपन बात करते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको और कौन सा नाम है जिसके द्वारा इसको बोल सकते हैं। तो इसका एक दूसरा नाम है जिसको डिनोट करते हैं सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन भी कहा जाता है किसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अब हम बात कर लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसके टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसके कितने टाइप होते हैं? इसके क्या होते हैं? तीन टाइप होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर में। कितने टाइप होते हैं? तीन। तीन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तीन होते हैं, एक तो होती है सिस्टर्नी, एक होता है वेसिकल्स, एक होता है ट्यूबुलर्स। एक तो होती है सिस्टर्नी, एक होती है वेसिकल, एक होती है ट्यूबुलर्स। इनके नाम से ही पता चल रहा है। जो सिस्टर्नी होती है वो क्या होती है? लंबी होती है, चपटी होती है और ऐसा की है ना, ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होती है उसके द्वारा बनी होती है। फिर बात करते हैं वेसिकल्स की। ये जो वेसिकल्स होती है ये या तो गोल होती है या अंडाकार होती है, ठीक है। बात करते हैं ट्यूबल्स। ये जो ट्यूबल्स होती है ये क्या होती है? साखित या ना ब्रांचिंग नलिकाएं होती है जो क्या होती है? झिल्ली के द्वारा घिरी हुई रहती है। तो ये क्या हुई? ट्यूबल्स। अब क्या होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुल में, अब इसके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको दो भागों में, यानी दो नाम होते हैं इसके, दो टाइप्स होते हैं। ये तो इसके स्ट्रक्चर के टाइप्स हो गए। किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं। अब अपन बात करते हैं, इसके दो टाइप होते हैं, दो अपन को नाम भी मिल जाता है। एक तो मिल जाता है RER, एक मिल जाता है SER। RER का मतलब हो गया राउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका। स्मूथ हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका। अब अपन इनमें क्या डिफरेंस होता है कि RER एंड SER होता क्या है? इनका पहला, जो RER होता है ये क्या होता है? अधिक स्थायी होती है। RER की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? अधिक स्टेबल होती है ना, स्थायी होता है। और जो SER है ये क्या होती है? कम स्टेबल होती है ना, कम स्थायी होती है। इसके बाद में जो RER है इसमें क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। RER होती है इसमें क्या होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। RER में क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और जो SER होती है उसपे क्या होते हैं? राइबोसोम अब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं अब्सेंट होते हैं ना, अनुपस्थित होते हैं। राइबोसोम क्या होता है इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हो। और इससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी मैंने उस पिछली वाली वीडियो में बता रखे हैं। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है RER का, कि ये RER होती है ये का निर्माण किसके द्वारा होता है? RER का निर्माण होता है ये भी जो अपन ने पीछे देखा है, सिस्टर्नी एंड जो वेसिकल्स होती है, सिस्टर्नी है वेसिकल्स, उसके द्वारा किसका निर्माण होता है? RER का। तीसरा पॉइंट अपन SER में देखते हैं इसका निर्माण कैसे। इसका निर्माण होता है जो ट्यूबलेस स्ट्रक्चर देखी थी अपन ने उसके द्वारा, इसका निर्माण होता है SER के द्वारा। अब RER कहाँ प्रेजेंट होती है, SER कहाँ प्रेजेंट होती है, ये अपना चौथा पॉइंट है। अब RER कहाँ प्रेजेंट होती है, ये क्या होती है? उन सेल्स में अधिक पाई जाएगी जहां पर क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण होता है वहां, यानी जहां पर किसका संश्लेषण होता है प्रोटीन का, वहां पर ये अधिक पाई जाएगी। और जो SER है
ये अधिक कहाँ पाई जाएगी? ये वहां अधिक पाई जाती है जहां पर क्या होता है, ग्लाइकोजन और लिपिड होता है, उसकी मेटाबॉलिज्म अधिक पाई जाती है। किसकी? ग्लाइकोजन व लिपिड की। ग्लाइकोजन और लिपिड की जो उपापचय क्रिया अधिक होती है जहां पे, है ना, मेटाबॉलिज्म अधिक होती है, वहां पर क्या पाई जाती है, एसीआर प्रेजेंट होती है। अब अपन इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि आरईआर कहाँ पाई जाती है और एसीआर कहाँ पाई जाती है। आरईआर ये पाई जाती है यकृत या ना लीवर के अंदर, अग्नाशय मतलब पेनक्रियास के अंदर, ये होता है आरईआर। और एसीआर होती है ये जो अपनी एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स वहां पर अधिक पाई जाएगी। अब इनके सारे जो नोट्स हैं वो मैं इंस्टाग्राम है वहां पे अपलोड करता हूँ, तो आप वहां से नोट्स भी देख सकते हैं, जिसके लिए आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे अभी नए हैं आप, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुल में इसका कार्य क्या होता है, यानी इसका वर्क क्या है, मेन कार्य क्या होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुल में होती है इसका मेन काम होता है कि जो अपनी सेल्स होती है उसके जो अंतः कंकाल होते हैं, क्या, अंतः कंकाल का निर्माण करना, यानी एंडोस्केलेटन का निर्माण करना। किसके? सेल के एंडोस्केलेटन का, सेल के एंडोस्केलेटन यानी अंतः कंकाल का निर्माण यानी फॉर्मेशन करना इसका काम होता है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नंबर दो, कि इसका मेन कार्य और एक और कार्य होता है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुल में, ये क्या होती है, लाइसोसोम और गोल्जी का है। लाइसोसोम क्या होता है मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया, तो वहां देख सकते हैं। गोल्जी का क्या होता है ये मैं अगली वीडियो में अपलोड करूंगा, तो वहां भी आप देख पाएंगे, इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब बात आती है कि इनका काम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है कि लाइसोसोम और गोल्जी बॉडी है ना, गोल्जी का है, इसका निर्माण करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये किसका निर्माण करती है, लाइसोसोम एंड गोल्जी काय का निर्माण में क्या होता है, इसकी योगदान होता है, इसका रोल होता है। और इसका रोल होता है कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल होता है, अभी अपन ने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाएगी, जहां पे क्या होगी, उपापचय है ना, मेटाबोलिज्म अधिक होगी। तो इनका एक काम क्या होगा, सेलुलर या मेटाबोलिज्म या ना उपापचय अधिक होगी वहां पे, ये क्या होगी, पाई जाएगी, है ना। इनका मेन कोर काम क्या हो गया कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म को सहायता करना, उसमें क्रिया करना। ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इससे पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर भी बताऊंगा, जिसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर नए, तो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए एंड प्यार देने के लिए।